Assalamu alaikum, dear viewer. Once again, welcome to my YouTube channel, Dr. Maaz Medical Lecture. Student, हमने जो है सेल ऑर्गेनेल से शुरू किया था और हमने काफी बहुत ढेर सारे जो है सेल ऑर्गेनेल के बारे में एक्सप्लेन किया है. हम चलते हैं आज एक और ऑर्गेनेल को एक्सप्लेन करते हैं. वो हमें जो है एक हमारे पास वो एंडोसोम है और ये क्लोजली रिलेटेड है लाइसोसोम को. तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर हम लाइसोसोम एक्सप्लेन करेंगे, चाहे या मतलब ये आप लोगों के कोर्स में होगा या नहीं होगा, लेकिन हम जाते इसको जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब याद रखें एंडोसोम ये हमारे पास बिल्कुल जैसे परॉक्सीसोम लाइसोसोम है, ये बिल्कुल उसी तरह का एक वेसल होता है. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल होता है. ठीक है, और ये बिल्कुल जो है इसका मुशाबहत जो है इसको हम एक टाइप भी कह सकते हैं, इसको हम प्री लाइसोसोमल क्या कह सकते हैं, कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं. ये हमारे पास एक एंडोसोम हो गया. अब इस एंडोसोम के क्या होते हैं, इसके से मेम्ब्रेन में अगर देखें तो आपको जो है ऐसे प्रोटीन नजर आएंगे, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप. क्या करते हैं ये एंडोसोम, ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन बाहर से जो है यानी सेल के साइटोप्लाज्म से जो है प्रोटॉन को जबरदस्ती क्या करते हैं, इसको पंप करते हैं एक्टिविटी, मतलब एटीपी का इस्तेमाल करके. ठीक है, तो यहाँ के जो है इसका एरिया जो है अंदर इसको एसिडिक बना देता है. ठीक है, उसकी एसिडिटी जो है, उसका पीएच जो है वो मुख्तलिफ होता है, यानी यहाँ से जो है साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में जो पीएच होता है उसके मुकाबले में यहाँ का पीएच जो है ये ज्यादा अंदर जो है वो एसिडिक भी होता है और इसका जो है पीएच इसकी वजह से मुख्तलिफ होता है. ठीक है, ये थी अच्छा एंडोसोम. तो एंडोसोम को फिर हम जो है इसको ये मतलब ये है कि ये किस तरह काम करता है, इसको टू मतलब ये कि टू वैरायटीज है, टू टाइप्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. इसको हम कहेंगे एंडोसोम के फिर कितने टाइप होते हैं, इसको एंडोसोम के हमारे पास टाइप होते हैं. एक को हम कहते हैं अर्ली एंडोसोम, अर्ली एंडोसोम. ठीक है, और दूसरा जो होता है वो लेट होता है. क्या होता है, लेट एंडोसोम. ठीक है, अब इनका क्या मतलब है, एक बात आप याद रखें हम जाते हैं अर्ली एंडोसोम की तरफ. ठीक है, अर्ली एंडोसोम की तरफ हम जाएंगे, लेकिन अर्ली एंडोसोम से जाने से पहले या फिर मैं आज उस सेल के अंदर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. ये हमारे पास जो अर्ली एंडोसोम होगा वो इधर जो है न्यूक्लियस के करीब होगा सेल के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्ली एंडोसोम है. क्या है, अर्ली शॉर्टकट में लिखा अर्ली एंडोसोम. तो अर्ली एंडोसोम जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये न्यूक्लियस के जो है मतलब सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन के जो है ये पेरिफेरल यानी प्लाज्मली में सेल मेम्ब्रेन के करीब पाया जाएगा. ठीक है, पेरिफेरी एरिया में इन ऑर्गेन और ऑर्गेन से दूर होगा. तो ये अर्ली एंडोसोम जो है इसका फंक्शन क्या है, मैं आता हूँ अभी. एंडोसोम जो है ये किस तरह काम करता है, एंडोसोम के फंक्शन के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब हम जा रहे हैं कि ये किस तरह काम करता है. अगर आपको याद हो एंडोसाइटोसिस में हमने फिर दो बातें की थी, तीन. उसमें हमारे पास एंडोसाइटोसिस में मतलब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या था, जब सेल के अंदर कोई चीज जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं. एंडोसाइटोसिस में हमारे पास पिनोसाइटोसिस था, जब कोई लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर जाता है मतलब ड्रिंकिंग ऑफ द सेल उसको हम फिर पिनोसाइटोसिस कहेंगे. फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर था पेगोसाइटोसिस. पेगो का मतलब कोई सॉलिड मटेरियल जो होता है, जैसे आप कोई टॉक्सिन ले या कोई पार्टिकल ले या कोई मॉलिक्यूल ले ले, मतलब जो भी हो ना फूड पार्टिकल ले, जब हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, पेगोसाइटोसिस. ठीक है, और पेगोसाइटोसिस के बाद हमारे पास तीसरा किस्म उसका था रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी उसके बीच में से रिसेप्टर आता था. तो देखें ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पिनोसाइटोसिस में हमारे साथ क्या होगा, सिल का ड्रिंकिंग होगा. तो इसमें हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो है कोई सोडोपोर्स बन जाएगा. ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाहर की तरफ ये निकलेंगे, ये टिन फिलामेंट बाहर निकालेंगे. ठीक है, तो इनको बाहर निकाल के क्या कर जाता है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल
बांट रहे और उसके साथ डिजर्व सलूट या छोटे मोटे क्या है मॉलिक्यूल है वो फिर इसके अंदर बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसको बंद होने के बाद जो है इसको क्या किया जाता है वो सिल्क के एंडोसाइट मतलब ये है कि एंडोसाइटोस इसका हो जाता है, तो ये एंडोसाइटोस वेसिकल बन जाता है। ये फिर यहाँ से जो है ये फिर बंद हो जाता है इसी तरह। ठीक है, और फिर यहाँ से ही रिलीज होकर अपने साथ ही मॉलिक्यूल को जो है इन चीजों को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास आयंस भी होते हैं डिजॉल्व मतलब जो छोटे मोटे मॉलिक्यूल यानी वाटर के साथ जो है फ्लूइड के साथ क्या हो डिजॉल्व हो। ये पिनोसाइटोसिस हो गया। प्यूकोसाइटोसिस की मिसाल मैंने आप देखी, फॉर एग्जाम्पल प्यूकोसाइटोसिस में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में हमारे पास ह्यूमन के सेल जो है, अच्छा प्यूकोसाइटोसिस में हमारे साथ क्या होता है, प्यूकोसाइटोसिस में अगर हम बात करें तो मैं सिंपल आता हूँ आपको समझाने के लिए। प्यूकोसाइटोसिस में हमारे साथ ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है यानी कोई फूड पार्टिकल है, ये कोई खुराक है। ठीक है, और इस खुराक को जो है सेल ने अंदर लेके जाना है, इनको जम करना है और इसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या होता है, ये कोई फूड है, क्या है, ये फूड है। ठीक है, फूड, अब ये फूड जब भी है इसको जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसका इन्विजिनेशन हो जाएगा, ये अपने जो है यह इसके सुडोपोड बनाएगा। ठीक है, ये इस तरह सुडोपोड इनको मतलब ये कि बंद करेगा, मतलब ये अंदर जाएगा तो फिर ये अंदर जाके क्या करेगा, यहाँ से ये फिर इस तरफ बंद हो जाएगा और फिर ये निकल के इधर एक और एंडोसाइटोस है, इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोस कहते हैं। तो ये एंडोसाइटोस वेसिकल हो गया और ये दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एंडोसाइटोस वेसिकल हो गया। और इसमें हमारे साथ क्या है, इसमें हमारे साथ वही फूड जो है वो फूड वो पड़ा हुआ है। ठीक है, वो फूड पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, देखिए मैंने एंडोसोम की बात ही की थी, ये जब हम हमारे पास ही एंडोसाइटोस वेसिकल जो बन गए, एंडोसाइटोस वेसिकल एंडोसोम एक अलग चीज है। ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये क्या है, इसके फिर टू टाइप से इसका कौन सा काम है वो आपको समझा जाएगा। ये जब हमारे पास अर्ली एंडोसोम जो है ये अगर पिनोसाइटोसिस के थ्रू अंदर चला गया है, ठीक है, या फेगोसाइटोसिस के अंदर चला मतलब ये पार्टिकल आ गए, मतलब उसने फेगोसाइटोसिस के कोई फूड मटेरियल ले लिया है या उसने ड्रिंक ही किया कोई लिक्विड मटेरियल ले लिया है, कोई फ्लूइड मटेरियल ले लिया है, तो सबसे पहले ये इसके अंदर क्या कर जाता है, ये आके इनके साथ अर्ली एंडोसोम के साथ जो है क्या कर देता है, वो इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि देखिए तीसरे पॉइंट पे हमने बात की थी वो ये थी, देखिए हमारे पास जब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की बात मैंने की थी, हमारे पास इधर एक रिसेप्टर होगा। ठीक है, ये रिसेप्टर जो है हमारे सेल में जो है हमारे पास या एनिमल सेल में जो है इसकी मिसालें मिलती है। ठीक है, दीदी को तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड क्या करता है, ये कोई मॉलिक्यूल अपने साथ ले लेता है, तो ये भी एक फेगोसाइटोसिस है, तो ये हमारे पास सॉलिड मटेरियल को लेता है। ठीक है, चाहे उसमें जैसे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में जो है इसमें आपको लाइकोप्रोटीन का मिसाल दिया था। ठीक है, कि लाइकोप्रोटीन के मिसाल अंदर उसमें क्या होते हैं, उसमें लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, वो चीजें होती हैं। जब वो इसको एंडोसाइटोस करेगा तो इसका मतलब क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड, तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड यहाँ पे जो है इसके बीच में से प्रोटीन भी होंगे, मैंने आपको कहा था उसको क्लेथ्रिन नाम है। ठीक है, तो वो पार्टिकल जब इधर आएंगे तो ये सी सी से मैं क्लेथ्रिन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो ये भी आ जाएंगे उसके अंदर जो है ये रिसेप्टर पड़े हुए। ठीक है, ये रिसेप्टर है और रिसेप्टर के अंदर उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का मिसाल मैंने आपको ये दिया था कि जैसे हमारे पास लाइपोप्रोटीन है वो लीवर के से जो है उसको यानी एलडीएल की बात मैंने की थी, लाइपोप्रोटीन मतलब क्या है, मेरे पास एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास क्या होगा, एंडोसाइटोस्ड वेसिकल हो गया। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल भी इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे आके इधर इसके साथ अर्ली एंडोसोम के साथ जम जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये अर्ली एंडोसोम जो है ये जब इनके साथ मिल जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। देखो ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके अभी लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये आ गया है फॉर एग्जांपल मैं आपको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये
हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये जब इधर आ गया, इसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास प्रोटीन था, यानी ये भी कोई पार्टिकल मटेरियल है, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या थे, उसी के साथ साथ जो है वो रिसेप्टर है, क्या है, सॉरी मैंने इधर रेड कलर से किया, तो मैं अगर इसको इधर भी रेड कलर से कर दो, तो इसमें हमारे पास अभी रिसेप्टर भी है, ठीक है, क्या है, रिसेप्टर है। तो अब एक बात याद रखे, ये रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के ऊपर ये कोई खास किस्म के पार्टिकल है जो फेगोसाइटोस हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर मिसाल ले लें, जैसे लाइपोप्रोटीन एलडीएल की हम मिसाल ले, तो ये रिसेप्टर के साथ क्या है, फंसे हुए हैं। और इसके साथ साथ एक काम तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये केलेथ्रिन मॉलिक्यूल प्रोटीन भी है, ठीक है, ये केलेथ्रिन प्रोटीन क्या है, इसके सरफेस पे, सॉरी, केलेथ्रिन प्रोटीन है। तो ये अर्ली एंडोसोम जो है, ये क्या करेगा, ये अर्ली एंडोसोम जो है, ये इन एंडोसाइटोस वेसिकल के, जो एंडोसाइट चाहे पिनीसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस से हुआ है, या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोस, ये सारा जो एंडोसाइटोसिस हुआ, चाहे पिन हुआ फेगो हुआ, ठीक है, ये जब इनके साथ मिल जाता है तो क्या हो जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था एंडोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं, ठीक है। तो अभी एक बात याद रख ले, इस हाइड्रोजन आयन पंप का काम क्या होता है, इधर अगर हम बात कर ले हाइड्रोजन आयन पंप के बारे में, तो ये इसको हाइड्रोजन अंदर लेके जाता है, उसकी एसिडिटी जो है उसको बढ़ा देता है, उसकी पीएच को चेंज कर देता है, ठीक है। देख तो साइटोप्लाज्म के मुताबिक ये बहुत ज्यादा एसिडिक, अभी इस एसिडिक एनवायरमेंट बनाने का फायदा क्या है, एक काम ये होएगा, इधर आप याद कर ले कि ये क्या करेगा, ये इस रिसेप्टर जो है, यहाँ से जो चला गया, इस रिसेप्टर और इसके रिसेप्टर के साथ जो बांड बनाया है, यानी जो मॉलिक्यूल, या जैसे हम लाइपोप्रोटीन है, या कोई भी पार्टिकल आप ले सकते हैं, अगर ये बांड बना दिया गया है, ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको और तरीके से भी समझा देता हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब ये बांड जो है, इसको टूटने के लिए ये हाइड्रोजन आयन जो अंदर चले गए, ये इस बांड को कमजोर कर देता है, जब ये इसको कमजोर कर देता है, ठीक है, तो इनको कमजोर करने के बाद जो है ये रप्चर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहां से जो है एक ये फ्री हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं, देखो फ्री किस तरह, ये फिर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, किस तरह टू पार्ट्स में, इस तरह देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, ये अर्ली एंडोसोम जो है ये जाके क्या करते हैं, इसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये हो गया, ये दूसरा, ये टू वेसिकल बन गए, ठीक है। एक वेसिकल वो है जो यहाँ पे बांड कमजोर हो गया, तो ये यहाँ से रिसेप्टर से ये मॉलिक्यूल जो है ये अलग हो गया, तो रिसेप्टर एक साइड पे रह गए, ठीक है, और रिसेप्टर के साथ साथ जो है उसके ऊपर जो वो केलेथ्रिन प्रोटीन थे, ठीक है, वो भी एक साइड जो है रह गए, ठीक है, वो केलेथ्रिन ये इसका, अच्छा तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो है हमारे साथ, तो ये दूसरा हमारे साथ, तो ये फूड मटेरियल जो है, जो एंडोसाइटोस्ट हुआ है, मैंने आपको कहा फूड है, या इसको हम लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, ये कोई मटेरियल, यानी ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है, या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये एंडोसाइटोस्ट हुआ था, ठीक है, और अर्ली एंडोसोम की। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब ये जो बन गया, ये बेसिकली हमारे पास वापस आके इधर सेल के सरफेस की तरफ वापस आएगा, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास केलेथ्रिन है, इसमें हमारे पास वो रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन है, और वो केलेथ्रिन प्रोटीन सारे जो है वो इधर वापस आ जाता है, और अपने आप को रीअरेंज कर देता है, किस मकसद के लिए, अब आपको समझ आ जाएगा, इस मकसद के लिए कि दोबारा जो है इस प्रोसेस को क्या कर सके, अपने इस प्रोसेस को दोबारा परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब ये वापस आ गए, ये वाला जो है इसको, ये अर्ली एंडोसोम था, लेकिन बाद में जाके ये क्या कर दिया, इसमें जो ये पार्टिकल मार्टिकल ये बन गए, ठीक है, ये क्या कर देता है, इसको हम कहते हैं फिर लेट एंडोसोम, क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं लेट एंडोसोम, एंडो सोम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अर्ली एंडोसोम था, मैंने आपको कहा इसके टू टाइप्स होंगे, ये एंडोसोम काम क्या करता है, तो अर्ली एंडोसोम जो है वो एंडोसाइटोस वेसिकल के साथ मिल जाता है, फिर ये बीच में जाके जो है, फिर इनसे जो वापसी होती है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, तब उसके बाद जो है हमारे पास
जो एंडोसोम रहता है उसको हम क्या कहते हैं, लेट एंडोसोम। ये लेट एंडोसोम फिर क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म में डीप डीप जाता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में डीप डीप जाने के बाद ये एक और अर्गिनिन से मिलेगा, लेकिन ये इंशाल्लाह आने वाले, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं आने वाले इसके जो है एक और अर्गिनिन है। फिर ये जो है ये लेट एंडोसोम जो है ये बाद में जाके हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम से क्या कर देता है, मिल जाता है, ठीक है। और प्राइमरी लाइसोसोम से जब ये लेट एंडोसोम मिल जाता है तो फिर उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, लेकिन ये आज का हमारा कंसेप्ट नहीं है। अच्छा आप ये याद रख ले, जब वो ये लेट एंडोसोम होगा, लेट एंडोसोम में हमारे पास क्या है, वो पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को जो है क्या करना है, इस पार्टिकल को आप डाइजेस्ट करना है, इसका ब्रेक डाउन करना है। तो इस मकसद के लिए ये फिर आके जो है मेम्ब्रेन में, मतलब ये कि ये साइटोप्लाज्म में डीप जाता है, तो वहां पे जाके जो है हमारे पास जब लेट एंडोसोम किस चीज के पास, जब लेट एंडोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलेगा, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, ये टॉपिक इंटर रिलेटेड है लाइसोसोम के, तो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ये मिलेगा, तो ये हमारे पास दोनों जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये हमारे पास एक पार्टिकल बनाएगा, इसको हम कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, इसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इंशाल्लाह हम उसके लेक्चर के मुताबिक जो है लाइसोसोम जब पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा ये था एंडोसोम। अब एक बात याद रखे, एक सिर्फ ये नहीं होता, ये भी होता है हमारे पास फ्यूगोसाइटोसिस, मैंने आपको मिसाल दी थी, ये हमारे पास फूड भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको लेग प्रोटीन ये भी किया, ठीक है, ये हमारे पास फूड हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास एनिमल में नहीं, क्योंकि एनिमल में जो है ये ऐसे, फॉर एग्जांपल मेरे साथ फूड है, ये एक और ऐसे जानदार होते जैसे हम अमीबा ले रहे हैं, वो चीजें ले रहे हैं, तो अमीबा के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, तो वो डाइजेशन मतलब ये है कि जब ये रिसेप्टर के साथ और ये फूड जो है जब मतलब ये है कि उसके साथ जब ये अटैच होएगा, तो इसके साथ अटैच होने के बाद जो है ये फूड अंदर चला जाएगा, ये अर्ली एंडोसोम के मिलेगा, एंडोसोम के मतलब ये मिलने के बाद ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा वो फूड, और वो फूड बाद में आके प्राइमरी लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है इसको हम डाइजेस्टिव पार्टिकल कहते हैं, तो डाइजेशन ये लोअर ऑर्गेनिज्म में जो है हमारे पास क्या करता है, डाइजेशन में मदद देता है, लेकिन हमारा डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है, चाहे उसके लिए जो एंजाइम हो वो बाहर निकलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे आपने खुराक का या प्रोटीन्स, उसमें प्रोटीन्स थे मतलब लिपिड्स थे या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, तो उसका जो है वो क्या होता है बाहर, लेकिन बाज ऑर्गेनिज्म इस तरह होते हैं उसको हम यूनिसेल्यूलर के, जैसे हमारे पास यूग्रीना है, अमीबा है, उनमें क्या होता है वो इसी तरीके से जो है खुराक को ले जाते हैं और खुराक को जो है एंडोसोम, फिर प्राइमरी अर्ली एंडोसोम और अर्ली एंडोसोम से फिर लेट एंडोसोम और लेट एंडोसोम फिर आके जो है लाइसोसोम के साथ पंगा लेता है, और लाइसोसोम जो है वो बाद में मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि क्या होता है, तो फिर लाइसोसोम जो है उसको अपने हार मतलब ये एंजाइम रिलीज करते हैं और उसको डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेस्ट करने के बाद जो है फिर लाइसोसोम जो है उसको साथ क्या करेगा, उसको बाहर रिलीज करेगा। अच्छा एक और बात याद रखें, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आपको पता होगा स्टूडेंट, एक बात याद रख ले वो क्या था, आपको याद होगा जैसे हमारे पास हमारे सेल के जो है व्हाइट ब्लड सेल की अगर हम आ जाए तो हम कहते हैं वो क्या करते हैं, वो फेगोसाइटिक सेल है, तो व्हाइट ब्लड सेल में जो मिसाल ले ले व्हाइट ब्लड सेल की, तो मतलब ये व्हाइट ब्लड सेल के तो फिर बोर्डेरोसाइट टाइप है, लेकिन उसमें हमारे पास अगर हम फेगोसाइट की तरफ आ जाए, फेगोसाइट का क्या मतलब है, वो सेल जो हमारे पास फेगोसाइटोसिस करते हैं, ईटिंग करते हैं, उसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, क्या है, न्यूट्रोफिल, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन फिर इसके हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस, तो ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो है ये क्या करते हैं, इनकी यही सिचुएशन होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बैक्टीरिया आ गया, एक टॉक्सिक मटीरियल पैथोजन आ गया, तो पैथोजन फिर जब इस ये जो है ये पैथोजन ये इस रिसेप्टर के साथ जो है बाइंड होएगा, ठीक है, ये पैथोजन या कोई फॉरेन मटीरियल है, ठीक है, जो भी है इसको हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है, ये एंटीजन, जब ये एंटीजन जो है ये किसी खास रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होएगा तो ये फिर इसको क्या करेगा, ये फिर इसको एंडोसाइटोस करेगा, तो एंडोसाइट मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं पैथोजन क्या है, एंटीजन, ये हमारे पास क्या है, इसको हम एंटीजन या फिर इसको पैथोजन को बैक्टीरिया कह सकते हैं, तो फिर ये क्या करता है, जब ये अंदर चला जाता है ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के साथ क्या होता है, इसको जो है हमारे पास एंडोसाइटोस वेसिकल में बंद किया जाता है, और इसमें अंदर ये बेचारा बैक्टीरिया जो है इसको अगर हम इस तरह बना ले तो ये जो है अब रोता है,
रोता है क्योंकि ये फंस गई है बेचारी। तो वाइट ब्रसेलिया, अगर एग्जांपल हम ले रहे हैं वाइट ब्रसेलिया, इसके अंदर ये बेचारी फंस गई, तो अब ये अंदर चला जाएगा, तो जब अंदर चला गया तो सिस्टम बहुत खराब हो जाएगा। सिस्टम कैसे खराब होगा, अब इसके लिए मसाला बन गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये एंडोसाइटोस बेसिकल हो गया, वो तरीका जो मैंने एक्सप्लेन किया वही होगा, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जो है, या कोई भी पैथोजन हो, कोई भी एंटीजन हो, ठीक है, अब ये बेचारी जो है ये बहुत ज्यादा, रोती है क्योंकि अब ये फंस गई है, ठीक है। जब बंदा फंस जाता है ना, उस पर बुरे हालात आ जाते हैं। क्यों ये इसलिए फंस गई है, इस बेचारे के पास अभी कोई चारा मारा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ये दोनों हाथ अपने आपस में जो है इस तरह कर देता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये बैक्टीरिया जो है, फिर इसको या के जो है अर्ली एंडोसोम के साथ मिल जाता है। तो ये अर्ली एंडोसोम के साथ जब मिलेगा, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली एंडोसोम के साथ मिलने से जो है क्या हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ये भी होगा, देखिए स्टूडेंट आप एक बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो ये हमारे पास वही बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया के पास हमारे पास क्या हो गया, ये रिसेप्टर, ये सब कुछ अंदर जो है लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, और वो के लिए त्रिन प्रोटीन और जो भी है वो इस तरह जो है, ठीक है, ये प्रोसेस। तो ये जो है ये जब जाएगा इसके साथ, तो ये ही फिनोमिना रिपीट होगा, ठीक है। ये वापस रिसाइकिल कर जाएंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है कि लेट एंडोसोम में बेचारा जब फंस जा, अच्छा फिर उसको, सॉरी एक बात याद रख ले, अच्छा मैं इस मकसद के लिए बता रहा हूँ, जब ये आता है, ठीक है, और ये जो है इधर आके ये हमारे पास अर्ली एंडोसोम के साथ में जब मिल जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेट एंडोसोम, और ये चीज जो है ये फिर इसके लिए नार बनी है, फिर इसको हम कहते हैं क्या, फिर हमको इसको हम क्या कहते हैं, देखे इसको हम कहते हैं फिर ये स्ट्रक्चर जो बना गया है इसको हम क्या कहते हैं, या फिर हमारे पास अर्ली एंडोसोम के साथ मिल गया। फिर अर्ली एंडोसोम के साथ ये मिलने के बाद जब रिसाइकलिंग होगी इधर जो हमारे पास, इसको फिर हम लेट एंडोसोम नहीं, फिर इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसोम। इसको क्या कहेंगे, फेगोसोम, ठीक है। ये फेगोसोम जो है ये बाद में क्या जाके ये बैक्टीरिया को जो है ये जो है ये लेट एंडोसोम या यूटिगोसोम जो ये बाद में आके क्या कर देता है, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिल जाता है। ये प्रोसेस मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब ये मिल जाता है तो क्या हो जाता है, ये लेट एंडोसोम या यूटिगोसोम यहां से हमारे पास या सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, तो क्या हो जाता है इधर हमारे पास, स्टूडेंट मैं आपकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये हमारे पास जो लाइसोसोम होता है इसमें हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होता है, या जिसको एसिड हाइड्रोलेज कहा जाता है। तो एसिड हाइड्रोलेज मतलब ये कि वो प्रोटॉन पंप जो इसने बहुत सारे जो एसिड इसके अंदर डाला हुआ था, तो एसिड का बढ़ा दिया गया, तो इसमें एसिड में जो है ये एंजाइम अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन बढ़ा दिया किसने, फेगोसोम ने, ये प्रोटॉन पंप वाली बात जो मैंने की है। जब ये इधर आ जाएगा तो ये अपने एंजाइम जो है ये इसको रिलीज करेगा, और ये बैक्टीरिया बेचारी जो है ये, अगर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास बैक्टीरिया है ये फंसे हुए, तो जब ये एंजाइम इसके पीछे रिलीज होंगे तो ये इसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, उसको रोजर रेजर रेजर करेगा, उसको टुकड़ा टुकड़ा करेगा और उसको तबाह करेगा। तो उसको तबाह करने के बाद इसके पार्टिकल जो है ये एक जुल्म तो उसने ये किया, लेकिन ये कोई इस तरह नहीं छोड़ता, ये पार्टिकल जो है ये दोबारा एक वेसिकल में बंद हो जाते हैं, फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इधर आते हैं। तो इधर आके या तो ये बाहर रिलीज हो जाते हैं, या ये दूसरे रिसेप्टर जो है ये अंदर जो और रिसेप्टर बन जाते हैं, तो ये इस रिसेप्टर के थ्रू जो है, ये टॉपिक हमारा फिर लेंथी हो जाएगा, लेकिन और रिसेप्टर के थ्रू जो है ये पार्टिकल इधर बाहर रखा जाता है, ताकि और सेल को जो है, ये हम इम्यून सिस्टम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि और सेल को खबरदार कर सके कि हाँ इधर जो है, या इसको ब्लड में रिलीज कर देता है, बाहर रिलीज कर देता है, या ये जो है अपने सरफेस पे रखते हैं, ताकि दूसरे सेल को ये बताए कि हाँ इधर कोई नया चीज है, मैंने तो अपना काम कर दिया अपने हिस्से का, इसका तोड़ फोड़ कर दिया, लेकिन और बैक्टीरिया बढ़ रही है, मतलब आप जाके सारे बॉडी के चेकिंग कर लेकिन कि ये चीज मेरे पास आ गई थी ये बैक्टीरिया, तो फिर जो है ये और सेल जो है इम्यून सिस्टम के वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये थी एंडोसोम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन, कि एंडोसोम क्या होता है, अर्ली एंडोसोम क्या है, लेट एंडोसोम क्या है, इसका पॉलिस मतलब ये कि सॉरी इसका लाइसोसोम के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइसोसोम के टू टाइप होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। मैंने आपको कहा कि
लेट एंडोसोम के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा तो फिर इस लेट एंडोसोम को हम फिर क्या कहेंगे, उसको फिर हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। लेकिन ये इंशाल्लाह हम लाइसोसोम आने वाले जो है कवर आर्गेनेल के बारे में इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसको कहा जाता है स्टूडेंट लाइसोसोम। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का अहतमाम होता है स्टूडेंट, और मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह कर ले कि आप मेरे लेक्चर जिस रिदम से मैं बनाता हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको रिदम से देखना पड़ेगा, मतलब तरतीब से आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे बीच में आ गए हो इस वीडियो को, आप ये आपकी फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, तो इसके लिए आपको जो है पिछली मेरे लेक्चर जितने भी पड़े हुए सिल के बारे में उसको थोड़ा बहुत जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे लेक्चर का अख्तिताम होता है, आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ आने वाले टाइम में। अब हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।